रामपुर की, जहां पर रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं और यहां पर लगातार रेत माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा रेत के अवैध परिवहन पर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। बेखौफ होकर माफिया रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। माफिया के द्वारा शंकरगढ़ कुसमी सीमा पर नदी से रेत निकाली जा रही है। बात बिलासपुर की करते हैं। बिलासपुर शहर में एक दिन में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के 1,23,257 मामले सामने आए। जी हां, ये एक दिन का आपको डेटा बता रहे हैं। ये आंकड़े इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के सीसीटीवी कैमरे से मिले हैं। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा जो है, इससे ये सब नजर आता है। इनमें 70% हेलमेट नहीं पहनने के मामले, ई चालान भी कट रहे हैं, लेकिन ये नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के मोबाइल तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये एक दिक्कत आ रही है। इससे 159 करोड़ का ITMS प्रोजेक्ट जो है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते आगे, राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम में नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 27 नवंबर से हुई है और प्रतियोगिता में लगभग 120 महिला और 150 पुरुष खिलाड़ी शामिल हुए हैं। बता दें कि चैंपियनशिप में जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उसका चयन थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए किया जा रहा है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट 7th नेशनल है। मैं कर्नाटक का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर्नाटक का कैप्टन हूँ। मैं 2015 से व्हील चेयर बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। अभी मैं इंडिया भी खेल चुका हूँ, इंडिया में सिल्वर मेडल हुआ है मेरा। अभी गर्ल्स का हुआ है, अभी पहला दिन है मेंस टीम, मेंस का चैंपियनशिप चल रहा है। मैच अच्छा खेला, हमारे टीम प्लेयर्स ने भी बहुत ही अच्छा खेला है। थोड़ी थोड़ी गलती है कहीं कहीं पर, हम सुधारेंगे उसको ज़रूर। बट हाँ, बॉयज़ ने पूरी 100% दी। जब सामने वाला टीम थोड़ा स्ट्रांग होता है तो हमको थोड़ा सा और स्ट्रांग करना पड़ेगा। सो कैसा लगा खेल? मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छा लगा खेल के। बहुत प्रैक्टिस कर करके आए हम यहाँ पे। राजधानी रायपुर में 1 दिसंबर को होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए स्टेडियम सज चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। टिकट काउंटर पर लोगों की लंबी कतार देखी गई। छात्र भी इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। छात्रों के लिए सबसे कम कीमत यानी कि 1,000 रुपए की टिकट रखी गई है। मैच देखने की आस में आज बड़े पैमाने पर छात्र टिकट लेने के लिए पहुंच गए थे। 11 बजे विंडो खुली है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लाइन में ये छात्र लगे हुए नजर आए। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने हंगामा भी किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मचारी, जो पुलिसकर्मी जो थे, वो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने समझाया, तब जाकर ये मामला शांत हो पाया। तो रायपुर में ये जो T20 का मैच होने जा रहा है, इसको लेकर उत्साह नजर आ रहा है फैंस में, और इंडोर स्टेडियम में लोग टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 11 बजे से ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई और 1,000 रुपये में मैच की टिकट दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच राजधानी रायपुर में 1 दिसंबर को खेला जाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पर टिकट्स के लिए जो है सुबह से स्टूडेंट्स की लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है। कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और निश्चित ही चौथा मैच भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जीतने वाली है टीम इंडिया जी। और हम तो रिंकू सिंह के दीवाने हैं, और रिंकू सिंह जबरदस्त मैच फिनिश छक्का मार के करने वाले हैं। टिकट्स को लेकर कितने सेटिस्फाइड है? टिकट तो लेकिन भारी, बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्या करें, एक्साइटमेंट ही उतना है कि अब पैसा नहीं देखा जा रहा है, बस एक्साइटमेंट ही देखा जा रहा है। पैसे कम होने चाहिए थे, क्योंकि वनडे में पिछले बार 300 रुपीज था स्टूडेंट्स के लिए, इस बार 1,000 रुपीज कर दिए, तो ये तो गलत बात है। और सुबह से हम लोग 8 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे? हम लोग 8 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे, तब से लेकर के बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। 8 बजे पहुंचे, तब तक यहाँ करीबन 150 लोग पहले लग चुके थे लाइन। लोगों में एक्साइटमेंट जो है मैच को लेकर वह कम नहीं हुई है। और वहीं सुबह 6 बजे से स्टूडेंट्स यहां पर टिकट्स के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के उस पार।